टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। करंट अफेयर्स की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज है 22 अगस्त और इसकी प्रमुख खबरें और इन पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसमें ज्योग्राफी का सेक्शन भी है, पॉलिटी का भी सेक्शन है और करंट का तो है ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बार और बता दूं मैं कि अभी जो भी आपके एग्जाम है, जैसे आपका यूपीपीसीएस है तो 2024 आपका आर ओ ए आर ओ, ठीक है, एपीएस आ चुके हैं दाना, इसके 300 पोस्ट आई हैं और इसकी 181 का है और बीओ आने ही वाला है, पैट का फॉर्म भरा जा चुका है और सुपर टेट, इन सब में करंट अफेयर्स बहुत अहम रोल खेलता है और निश्चित रूप से आपको पर डे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, पर डे आपको अखबार से भी स्टडी करना चाहिए। हालांकि हम सारा आपको कुछ जो प्रश्न है उसका सार रूप हम देते ही हैं। पहला प्रश्न है कि साउथ इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसका है? और मैं हमेशा बोलता हूं कि आप प्रश्न को पढ़ें और उसे अंडरलाइन जरूर करें। क्या कह रहा है, साउथ इंडियन के बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुप पूनावाला, अजय सिन्हा, रमेश पुरी और पी आर शेषाद्री। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन है, इस पोस्ट पर अभी पी आर शेषाद्री की नियुक्ति हुई है। ठीक है, प्रश्न नंबर दो, एशियाई जूनियर स्क्वैश, किसका? एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट से एक प्रश्न जरूर आता है आयोग की परीक्षा में और जो नए युवा अवार्ड जीत रहे हैं, जो मेडल जीत रहे हैं, उन पर आपको विशेष नजर रखनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहां क्या कह रहा है, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप और वो भी कौन सी कैटेगरी में, अंडर 17 में। तो ऑप्शन है अदिति सिन्हा, अंकिता रैना, अनाहत सिंह और मोहिनी सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अनाहत सिंह है, उन्होंने क्या है, गोल्ड मेडल आपका जीता है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतियोगिता है ये कहां हुई है, चीन में हुई है और चीन के किस शहर में, डाजियान में हुई है। कहां पर हुई है, चीन के डाजियान में हुई थी और इसके जो जो प्रतियोगिता का जो समय था वो था 16 से लेकर के 20 अगस्त। कभी कभी ये पूछ लेता है कब आयोजित की गई, कहां आयोजित की गई, क्योंकि भारत के जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसने मेडल जीता है तो आपको सारे के सारे सारे जो तथ्य हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। आई थिंक आपको इस बात को समझ में आ गया होगा, ये प्रतियोगिता चीन में, शहर डाजियान और समय है 16 से लेकर 20 अगस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर तीन पर, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी और आधार पूनावाला। देखिए, इसका ऑप्शन है रतन टाटा, ठीक है, और यहां और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है वो देख लीजिए। यह पूछा जा सकता है आपसे कि उद्योग जो रत्न अवार्ड है वो किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फिर आपका महाराष्ट्र सरकार। यह भी आप नोट कर सकते हैं और महाराष्ट्र की तो खासियत आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में अगर ऐतिहासिक प्रपेक्ष से देखा जाए तो वहां अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित हैं, साथ ही एलोरा में आपका कैलाशनाथ मंदिर है जो कि राष्ट्रकूट नरेश ने बनाया था। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता रहता है, तो महाराष्ट्र से आप करंट लीजिए और आप ज्योग्राफी देखिए प्लस आपका हिस्ट्री भी देखिएगा, ठीक है। अगर अगला जो प्रश्न है वो है चौथा कि किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? पवन नागार्जुन, थर्मन सन्मुगरत्नम, अभय देशपांडे और देव कृष्णन। देखिए, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति कहीं चुनाव लड़ता है, कहीं जीतता है तो आपने देखा होगा वो एग्जाम में जरूर आता है और सिंगापुर से हमारे द्विपक्षीय संबंध बहुत मजबूत है, तो ये वाली जो खबर है अखबारों की सुर्खियों में लगातार बनी हुई है, लगातार इस पर आर्टिकल भी गए, तो इसको आपको संज्ञान में जरूर लेना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, थर्मन सन्मुगरत्नम, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर पांच की तरफ, क्या कह रहा है, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? देखिए, फीफा वर्ल्ड कप चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, इस साल एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। प्रश्न का डिमांड क्या है,
फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी है ब्राजील, इंग्लैंड एंड स्पेन। इसकी जो विजेता है वो है आपकी स्पेन, ध्यान रखिएगा। और स्पेन ने किसको हराया है? स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है। ये पूछा जा सकता है कि विजेता कौन है? स्पेन। और उपविजेता कौन है? तो वो आपका इंग्लैंड है। इंग्लैंड क्या है? आपका उपविजेता है। अब इस प्रतियोगिता की हम बात कर लेते हैं, तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से किया है। न्यूजीलैंड भाई जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, कीवी यहां का क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है, कैंटबरी का मैदान है, वही ये ऑस्ट्रेलिया, वही मैं न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से जो फीफा महिला विश्व कप 2023 है इसका आयोजन किया था सिडनी में। सिडनी ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और यहां पर इसका फाइनल खेला गया। पहला स्थान किसका मिला? पहला स्थान जो मिला वो आपको मिला स्पेन का, यानी ये रहा विजेता। दूसरा स्थान किसका रहा? तो वो है इंग्लैंड। ये क्या है? उपविजेता है। तो यहां से ये एक जो सीरीज है वो आपकी पूछी जा सकती है। तीसरा कौन सा है? स्वीडन है। और चौथा ऑस्ट्रेलिया। तीसरा कौन सा है? स्वीडन। और चौथा क्या है? आपका ऑस्ट्रेलिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सारे देश करंट और ज्योग्राफी की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इस पूरी जो चैंपियनशिप है इसमें 32 यानी 32 टीमों ने भाग लिया था। लेकिन अगर प्रश्न यह पूछ लिया जाए पुरुषों का विश्व कप किसने जीता, तो पुरुषों का जो विश्व कप है वो अर्जेंटीना ने जीता था। और किसको हरा के जीता था? फ्रांस को हरा करके जीता था। और जो अर्जेंटीना के जो लियोनल मेसी हैं इसमें एक बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे, हालांकि वो विश्व चर्चित ऑलरेडी पहले से ही है, लेकिन अर्जेंटीना की उस जीत में लियोनल मेसी का बहुत बड़ा योगदान था। तो अगर पुरुषों का पूछा जाए तो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। वही अर्जेंटीना जहां घास के मैदान है और उनको कहते हैं पंपास। तो ये सारा सेक्शन आप देख के चलिएगा। चलते हैं थोड़ा सा स्पेन पे चलते हैं, है ना, क्योंकि स्पेन विजेता है तो स्पेन की ज्योग्राफी भी आपको आनी चाहिए। स्पेन में बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री है। इसकी जो राजधानी है वो आपकी मैड्रिड है। और मैड्रिड किस नदी के किनारे है? तो वो है मेजेंसेस नदी। मेजेंसेस रिवर के किनारे क्या है? आपका स्पेन है। और स्पेन की बात करें तो यहां की संसद अक्सर पूछी जाती है और संसद का नाम है कॉर्टेस। अब बात करते हैं किस सीमा को ये टच करता है स्पेन। तो आप देखिए इधर जो टच करेगा वो है फ्रांस, ठीक है। और फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एक देश है अंडोरा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा देश स्थित है, तो अंडोरा। और साथ ही इससे भी महत्वपूर्ण बात और भी है जो कि ज्योग्राफी की दृष्टि से अक्सर पूछी जाती है यूपीएससी और पीसीएस में कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो उसका नाम है प्रेनीज। कौन सी? प्रेनीज पर्वत। और इसी प्रेनीज पर्वत की घाटी में आपका जो देश है सुंदर सा है वो अंडोरा है, जिसकी राजधानी अंडोरा ला विले है, ठीक। अब देखिए जब हम साउथ की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो ये मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर को टच करता है। यानी उत्तर की बात करें स्पेन तो बिस्के की खाड़ी है, और दक्षिण की बात करें तो आपकी क्या है? मेडिटेरियन सी है, ठीक। लेकिन यहां पर आप देखते हैं एक छोटा सा है जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर जो जलसंधि है इसे भूमध्य सागर की क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। लेकिन प्रश्न यहां इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको कि जिब्राल्टर जो द्वीप है वो किसके अंतर्गत आता है, जिब्राल्टर जो पोर्शन है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिए उसका आंसर आपका यूके हो जाएगा। लोग इसे स्पेन का पार्ट समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये स्पेन के पार्ट में तो है लेकिन रियलिटी में इस पर जो आधिपत्य है वो यूनाइटेड किंगडम का है, ठीक है। ये करंट के साथ मैंने आपको यहां की स्पेन की आपको ज्योग्राफी बताई जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। प्रश्न नंबर चलते हैं 6 की तरफ, और यहां पर प्रश्न है कि कमल के फूल की नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हावड़ा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पहली बात है नमो
1908, ठीक है। इसका तो राइट आंसर है कि लखनऊ, जो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में स्थित है, इसने ये कमल की नई प्रजाति को खोजा है। और इसमें जो 108 है ये पखुंडी की बात करता है कि इसमें कितनी पखुंडी निकलेंगी, कलियां निकलेंगी, तो उसका है 108, ठीक। किससे संबंधित है? कमल के फूल से संबंधित है। तो नमो 108 चूंकि ये चर्चा में है, नई प्रजाति खोजी गई है, डेवलप की गई है, तो और ये कमल वैसे भी बीजेपी का क्या है, निशान है, तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको घूम सकता है। प्रश्न है सातवां, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बी, यानी दो। यानी भारत ने इस प्रतियोगिता में, इस ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? दो। ये प्रतियोगिता कहां हुई, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हुई पोलैंड में, ठीक है। पोलैंड जिसकी राजधानी क्या है? बारसा है। और बारसा है ये विस्चुला नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? विस्चुला नदी के किनारे है। और बात करें यहां पर, भारत ने यहां पर 4 तो गोल्ड मेडल जीते और 2 इसने सिल्वर मेडल जीते हैं। और बात करें कि इस प्रतियोगिता में पहली रैंक किसकी है, तो वो आपकी यूनाइटेड किंगडम का है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि ये ओलंपियाड किस शहर में हुआ, तो पोलैंड के हैं चार्जो। कौन सा है? चार्जो। इतने देख लेते हैं कि गड़बड़ ना हो, ठीक। आप देखिए आठवां, यह प्रश्न आपको मुझे लगता है कि आयोग में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए कि ओहरिड झील जो हाल ही में खबरों में है कहां स्थित है। ओहरिड झील यहां पर अभी 8,000 साल पुरानी मानव बस्ती का पता चला है, यूरोपियन में है, यूरोपीय की यह गहरी झील है, अल्बानिया या मैसिडोनिया की सीमा पर, नार्वे और स्वीडन की सीमा पर, कीनिया और इथोपिया की सीमा पर, भारत और चीन की सीमा पर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अल्बानिया और मैसिडोनिया की सीमा पर। अब देखते हैं कि इससे संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैसिडोनिया का चित्र है, उस पर हम देखें कि ये किस देश से घिरा हुआ है। मैसिडोनिया की जो राजधानी है वो है स्कोपजे। कौन सी है? मैसिडोनिया की राजधानी वो स्कोपजे है। और अल्बानिया की जो राजधानी है वो है तिराना। और इन दोनों के देशों की सीमा पर आपकी लेक ओहरिड स्थित है, और यहीं पर 8,000 साल पुरानी मानव बस्ती का साक्ष्य मिला है। और यह पता चला है कि यहां के जो लोग किनारे थे वो मचान बनाकर के रहते थे। तो यह खबर यूरोपीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वहां पर मानव का सबसे पहले विकास माना जाता है उस महाद्वीप से, और वहां पर जो मानव कंकाल मिला है वो लूसी, तो उसके बाद यूरोप की यह खबर बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब देखिए किस किस से देश से घिरा हुआ है, तो हम देखें उत्तर में ये सर्बिया से घिरा हुआ है, अगर मैं पूर्व की बात करूं तो बुल्गारिया से घिरा हुआ है, बुल्गारिया की राजधानी क्या है? आपकी सोफिया है। नीचे आपकी ग्रीस, ग्रीस जिसकी राजधानी एथेंस है, और आपका अल्बानिया। इतने देशों से ये मैसिडोनिया घिरा हुआ है, और मैसिडोनिया लैंड लॉक्ड देश है यूरोप का। तो कभी कभी लैंड लॉक्ड देश पूछ लेते हैं किन किन देशों से ये घिरा रहता है, यहां से प्रश्न बनता है, तो इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही झील की दृष्टि से पूछ सकता है कि ये किन देशों की सीमा पर है, तो ये आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, विशेषकर वो झील है जो कई देशों की सीमा पर स्थित है। अब प्रश्न की बात करते हैं नाइन्थ की, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 21 अगस्त 2023, 22 अगस्त 2023, 20 अगस्त 2023 या 19 अगस्त 2023? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, और वो है आपका 21 अगस्त 2023। प्रश्न नंबर 10, पिंक बॉलवर ने पंजाब के खेतों में फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है, किस फसल को पहुंचाया है? प्रश्न आपका डिमांड में है, कपास, गेहूं, धान और मटर। तो देखिए यहां से
जो राइट तो आंसर है वो है आपका कपास। ठीक है, पिंक बॉलमार कहां का है? पंजाब में, और 8 जिले में आपके ये इसकी बहुतायत से खेती होती है कपास की, और वहां पर इस पिंक बॉलमार ने कपास की खेती को काफी प्रभावित किया है। नारियल, लेकिन पंजाब किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे कि गेहूं ऑप्शन हो, लेकिन ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या है? कपास है। ठीक है, अब यहां मैं अपने थोड़े से अपने मतलब की बात कर लेता हूं। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कोई सुझाव है, कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसके जवाब दे सकूं। और हमारी टीम लगातार कह भी रही कि हम थोड़ा नियमित रूप से रहेंगे, मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रही थी इसलिए आपको कुछ वीडियो मेरे नहीं मिले थे। अब इस वक्त जो एग्जाम है जिसको हमने पूरा फोकस किया है, देखिए यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है 2024 और 2025 के लिए ये हमारा स्टार्ट हो चुका है, यूपीपीसीएस 2024 का भी फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और अभी आयोग ने एक लेटर जारी किया है जिसमें आरओ एआरओ एग्जाम 2023, बीओ एग्जाम 2023 और अपर निजी सहायक परीक्षा जो है 2023 है, इसके जो फॉर्म है इसकी तो डेट भी आ गई है, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो ये सारा हमारा जो प्रोग्राम है इन परीक्षाओं को फोकस में रखकर ही ध्यान तैयार किया गया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये कोर्स हमारी टीम की वजह से आप सफल हो सकते हैं, आपको कुछ हेल्प मिल सकती है, तो ये कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। आप जाइए प्ले स्टोर पर, वहां पर टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल ऐप है, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा, और टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी जिसके उस पर हमारा फ्री इनिशिएटिव है और उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी सूचनाएं और इसकी जो पीडीएफ है वहां आपको मिल जाएगी। नियमित रूप से वहां टेस्ट भी होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम दोनों लोग मिलकर के, तो निश्चित रूप से आप भी सफल होंगे और आपके साथ साथ हमको भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।